सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर शर बलिद भोल सांचे दरबार के जय ओम श्री गणेशाय नमः ओम वक्रतुंड सप्तश्लोके दीर्घ शिववाच देवे त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्याभिधायने करोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं रोहि यत्नतः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनं मया त्वमेव स्नेहेनाप्यं वासुदे प्रकाशत ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषेः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मे महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानी नाम विजेता से देवे भगवदीसा भलाधा कृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यते दुर्गे स्मृता हर्षभेतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मध्यमदेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वापकारकरणाय सदा धृचित्ता सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते भयव्यसायिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते रोगानशेषानभसदुष्टा रुष्टादुकामान सकलानभीष्टा त्वमाश्रितानां नृपन्नरानां त्वमाश्रिताश्रतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अश्वभिर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर वाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मना बुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दा स्वरूपिणी अनन्ता भवनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी
अपर्णाने गवर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बर बले धाना कलमंजेर रंजने अमेय विक्रमा क्रूर सुंदरे सुर सुंदरे वन दुर्गा च मातंगे मतंग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दने मधुकेटवहन्त्रे च चण्डमण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाश्रधारणे तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेका शस्त्रधारणे कुमारे च कन्या च कैशोरे यवतेजतिः अप्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे सहस्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवधोते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिने या इदं प्रभते नित्यं दुर्गा नामाशिताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिशो लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चाण्डलवेन्मोतिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तो ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेद्वरया भक्त्या पठे नामाशिताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे हि सुरहरैरपि राजानौ दासतां जान्ते राज्याय स्वयमवाप्नुयात् घोरोचना रक्तकुङ्कुमेण सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलख्यन्द्रां विधिना विधिज्ञा भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावासा निशामग्रे चन्द्रे शतभिशाङ्कते प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणान भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में
परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणांत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासो मातरा बीजं दिलबन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ यद्भ्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निनां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहं। ब्रह्मोवाच अस्ति भयात्मं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासौ कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाशमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना पाणिनाधयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्या स्मृतानोऽनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सवन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना हेन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगः समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशापिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं दामरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिथं देवानां हिताय वे नमस्यस्तु महारौद्र महाघोरपराक्रमे महाभरे महासाहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रुणाभयवर्धिने राजां रक्षत मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रदीच्यां वारुणे रक्ष वायभ्यां मृगवाहिनी उदीच्यां मधुकौमारि ऐशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृतः पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता पामपार्श्वतो दक्षिणे चापराजिता
शिखा मध्योदने रक्षत मा भवधने व्यवस्थिता मालाधने ललाट च भ्रुव रक्षत शस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रुतयोर्धारवासिने कपालकालिका रक्ष कर्णमूल तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तराष्ट चर्चिका अधरे च मृदकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षत कौमारे कण्ठदेशत चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे शुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवर्ष धनोधरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिका नलकोभरे स्कन्ध्यः खड्गने रक्ष बाहो मे वज्रधारणे हस्त्या दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेश च नखाशूलेश्वरे रक्ष कक्षा रक्ष कुलेश्वरे स्तना रक्ष महादेवी मना शोक विनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभोज कामने रक्ष भुजं भुजेश्वरे तथा बोधना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनि खड्गां भगवते रक्ष जानने विन्ध्यवासिनि जङ्घ महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायिनि गुल्भया नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलेषु च रक्ष पादादस्तलवासिनि नखां द्रष्टा कराले च केशां च वर्धकेशिनि रामकोपेषु कोपेरे त्वचां लागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्ति मेधांसि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मापदे पद्मकोशे कभे चोडामणिस्तदा ज्वालामुखे नखज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे जशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षेर्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानां सपदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं दुःस्थानं भर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छतु जदेच्छ शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले भुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तदभेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् या पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येशपराजितः जीवद्वशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लोता विश्वाटकाधयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा घेचराश्चैव जलजाश्चापदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिने शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माढा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानानतिर्भवेदाज्ञस्तेजावृद्धे कलम्भरं यशसा वर्धते सोमे कीर्तिमण्डितभूतले यमे सप्तशतीं चण्डं कृत्वा तु कवचं पुरा
यावद्भूमण्डलं दत्तशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मे धन्यं सन्ततिः परमस्थानं यत्सुरैरभिदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमो रूपं शिवेन सह बाधते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अग्नशुभछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमास्तु जय त्वं देवे चामुण्डा जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमास्तु मधुकैटवमिद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तभीजावदे देवे चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि शुम्भस्य वरशुम्भस्य धूम्राक्षस्य जमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताग्रेजुभे देवे सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अचिन्त्यरो भजरिदे सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सततं जय त्वम् अर्जयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुष्टतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरो रत्ननिकृष्टचन्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनाङ्कुरं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्भङ्गे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेना संसुदे देवे शश्वद्भक्त्या सुदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचलसुधानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणीपद सद्भावा कोजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवे प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवि भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नि मनोरमां देहि मनोभृत्तानुसारिणि तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशते सङ्ख्या भरवा परोते सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकैलकमन्त्रस्य शिवा ऋषिः
अनष्टम छंदः श्री महासरस्वते देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजाने यान् मन्त्राणाम विकीलकम् स्वाभिक्षेमवाप्नोति सततं जापे तत्परः सिद्ध्यं तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेनास्तवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकायासो तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तेर्न च पुण्यस्य तां निधावन्नियन्त्रणा स्वाभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपते संस्फुटम् स सिद्धः सकलः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवा पठदस्तस्य भयं वापि अजायते नापमृत्यो वशं जाते मृतमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुर्वेत न कुर्वा न विनश्यति त्वतो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते मनराजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनेस्तु जप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरोचके भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्ेषयं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परमोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः श्री महिषासुरमर्दने स्तोत्र आय गिरिनन्दन नन्दतमे Yeah.
Tava charanam charanam karavanam tava ravanam vasisham
पुष्कालीन लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अत क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि अंधे हरण शमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् भोजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यद्बोधितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बे चोचरे यां गतिं प्राप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रातस्वां जगदम्बिके इदानीमर्वं द्रोहं यथेच्छसि तथा कु अज्ञानाद्धिसृतर्भाग्यां यन्योनमधिकं कृतम् सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे निहानाचामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रेत्वं गृहाणास्मकृतं जपां शुद्धिर् भवतु मे देवि सर्वसाधन सुरेश्वरि सच्या ज्योत बलि माता तेरी सदा हि जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा हि जय सबको सद्बुद्धि देन वाली माता तेरी सदा हि जय बोलो सच्चे धर्मार्थ की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, पुण्यकर्मी होते हैं, जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके इस जगजननी जगत माता की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब माँ भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है
क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। माँ की कृपा होती है तो ही मनुष्य के हृदय में सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, दीन दुखी की सेवा करें, परोपकार करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ की भक्ति करें, माँ भगवती के नाम का जप करें, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करें। तो ये तभी संभव होते हैं जब देवी की कृपा होती है, तभी जो है माँ जो है उन भक्तों को अपने दरबार में बुलाती हैं, अपने चरण में बैठाती हैं, जिनका जय कल्याण करना चाहती हैं, जिनका जय मंगल करना चाहती हैं, जिनके कष्टों को जिनके दुखों को दूर करना चाहती हैं, उनको माँ का बुलावा होता है। क्योंकि इसके बुलावे के बिना यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए जब इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो इस परम पवित्र स्थल पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करने का, माँ की स्तुति करने का, तो माँ से यही प्रार्थना करना कि हे माँ, आपकी कृपा से, आपकी दया से ये शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने की हमें प्राप्त हुई है। हे माँ, इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और अपने चरणों से हमें लगाए रखना, अपने दरबार में हमें बुलाती रहना, अपना आशीर्वाद हमें देती रहना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार। जी जो भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, देवालयों मंदिरों में जाकर के, माँ के दरबार में आकर के, या अन्य अन्य तीर्थों पर जाकर के जो दर्शन करते हैं, तो कैसे हम पूजा करें, कैसे हम माँ की साधना करें, जप कैसे किया जाए, माँ की स्तुति कैसे की जाए, यज्ञ कैसे किया जाए, तो इस विषय में जो है यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में जो है महर्षि व्यास जी जो हैं जीराज जन्म जी को समझाते हुए कहते हैं कि यज्ञ जो है कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। ये तीन प्रकार का यज्ञ जो है, तीन प्रकार की पूजा जो बतलाएगी, सात्विक, राजस और तामसिक। और इसके साथ साथ जो है फिर मानसिक पूजा का भी उन्होंने बड़ा विशेष महत्व जो बतलाया है। सात्विक पूजा जो है बिल्कुल जो है शांत चित्त होकर के, मन में किसी प्रकार की विकृति को विकार नहीं होना चाहिए। पूजा में आप बैठे ध्यान करने के लिए बैठे, जब मंत्र जप करने के लिए बैठते हैं, स्तोत्र पाठ करने के लिए बैठते हैं, कहीं पड़ोसी से झगड़ा हुए हैं, जब परिवार में कोई बात हुई है तो मन में बात वही चल रही है, इसने ऐसा मुझे क्यों कह दिया, और चल रहा है मंत्र जप, चल रहा है स्तोत्र पाठ। जब रास्ते में कोई बात होती, घर परिवार में बात होती, जहां बैठे हुए हैं तो मन वहां पर है, ऐसा उसने मुझे क्यों कह दिया, तो उस साधना का, उस आराधना का, उस जप का, उस पाठ का, उस मन का, उस ध्यान का, उस स्तोत्र पाठ का कोई फल नहीं होता। सात्विक जो है बिल्कुल मन शांत हो और भगवती का ध्यान कर करके, इस प्रकार से मैं कई बार बतलाता हूँ कि प्रातः काल सायंकाल दोनों समय जब माँ की जोत जगाते हैं तो दो मिनट के लिए जो है आप शांत चित्त होकर के अंतर्मुख हो जाइए। कैसे आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कैसे आया हूँ, मुझे करना क्या है, मैं रहना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, कब तक यहाँ पर रहना है, मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस प्रकार से थोड़ा उस समय अंतर्मुख होकर के आप विचार करें तो आपका अंतःकरण भी शुद्ध होगा और अंतःकरण से ही आपको उत्तर मिल जाएगा कि तो ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है ये किस लिए प्राप्त हुई है, इसका किस प्रकार से अपने सदुपयोग करना है, कैसे भगवान की साधना करनी है। इस प्रकार से तब जो है माँ की कृपा से उन साधकों को सद्ज्ञान प्राप्त होता है। जिन भक्तों की देवी की कृपा सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनकी बुद्धि जो है ठीक निर्णय करती है, उनका मन
जो है पवित्र होते हैं, उनके विचार पवित्र होते हैं, उनकी बुद्धि पवित्र होती है, उनका जीवन जो पवित्र हो जाते हैं। जब इस प्रकार से वह भगवती का स्मरण करते हैं, अंतर्मुख होकर के जब माँ का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, बोले सच्चे दरबार की जय। तो मैं जो बतला रहा था आपको, ये तीन प्रकार का यज्ञ जो है इन्होंने बतलाया, और चौथा जो मानसिक यज्ञ जो है उसका महत्व, जो तो यज्ञ बहुत है, कई प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं। यज्ञानाम जब यज्ञोस्मि, यज्ञ में जब यज्ञ मैं हूं, जो गीता में भगवान कृष्ण स्वयं का है, जो जब आप करते हैं, आप कहीं सेवा करते हैं जाकर के मंदिर में, वह यज्ञ है। किसी को भोजन करवाते हैं, वह यज्ञ है। गौ माता को ग्रास देते हैं, प्रतिदिन निज बना लेते हैं, तो ये यज्ञ है। प्रत्येक कार्य, कोई बच्चे जो हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप अपने जीवन में ऐसा संकल्प लेते हैं कि मुझे प्रतिदिन आधा घंटा जो है बच्चों को जो है, जो गरीब बच्चे हैं भाई, नहीं जाकर कहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको बिठा करके आधा घंटा जो मुझे ज्ञान दान करना है, विद्या दान करना है, सबसे उत्तम जो यज्ञ है। तो किसी प्रकार का यज्ञ जो कर सकते हैं, तो इस तरह से कोई अब कार्य करते हैं तो उसको यज्ञ समझकर उस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर के उस यज्ञ को आप करें, और वही वो कार्य को करें तो वही आपका यज्ञ हो जाएगा, और यज्ञ का फल जो है अद्भुत होता है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि राजन, यज्ञ तीन प्रकार के जो बतलाए गए हैं, सात्विक, राजस और तामस जो है। मुनियों के लिए जो है संत महात्मा जो है के लिए जो है सात्व, राजाओं के लिए जो है राजस यज्ञ, और राक्षस के लिए जो है तामस यज्ञ। ये यज्ञ बतलाया गया है। फिर जो है देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा, जहाँ सात्विक हो अर्थात काशी आदि पवित्र जो है स्थान, उत्तरायण का समय जो है न्याय से अर्जित किया हुआ धन जो है, द्रव्य जो है, वैदिक मंत्र, श्रोत्रिय, ब्राह्मण और जो है आस्तिक श्रद्धा हो, उसे जो है सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य की शुद्धि शुद्धि हो, क्रिया की शुद्धि हो, मंत्र शुद्धि हो, यज्ञ संपन्न जो है हो, तो जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है। मंत्र की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि जो है, और इस प्रकार मन की आस्तिक श्रद्धा, श्रद्धा भी होनी चाहिए। जो श्रद्धा नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा धन है और मैं खूब जो दान भी करता हूँ, परंतु अहंकार है, अभिमान है, मैं इतना कुछ करता हूँ, जहाँ जहाँ जाकर ये करता हूँ और लोग मुझे देखें, ये तो बड़ा दानी है, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये तो तपस्वी है, क्योंकि तपस्वियों को भी जो है अपनी तपस्या को जो है अहंकार हो जाता है, मैं तपस्वी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं तो दानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ। तो इस प्रकार जब मैं आ जाते हैं, वास्तव में करनी कर वो ही, जो कुछ हमें मिला है ये सब उसी की कृपा का फल है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, अंत में शरीर भी यहीं पर छोड़ता है, ये भी अपने साथ नहीं जाता। ये शरीर और शरीर जो है ये दोनों अलग है। जिसने शरीर को धन किया हुआ है, या शरीर जो है, और शरीर जो है, क्योंकि शरीर एक साधन मिला है जिसके द्वारा जो है साधक जो है साधना करते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ के विषय बतलाते हुए कहा है कि क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, यज्ञ संपन्न जब इस प्रकार से किए जाते हैं, उसी यज्ञ का पूर्ण फल जो है ये प्राप्त होते हैं। इसमें जो है कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चित रूप से बिल्कुल शांतचित होकर के इस प्रकार जब साधना करता है, किसी प्रकार अहंकार लेकर के नहीं, ऐसा मत करें। जब भी कर्म करें और इस प्रकार पुण्य कर्म करें, तो ये मत सोचे कि 50 लोग मुझे देखें या 1000 लोग मुझे देखें कि मैं ये काम कर रहा हूँ। किसी को पत्न कहते हैं, जहाँ तक शास्त्र में कहा गया है, एक हाथ से दिया जाते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए किसने क्या दिया, तब जो उसका फल होता है पूर्ण फल जो है वो सत्कर्म का जो फल होते हैं। और इस प्रकार से कहा है कि पुण्य कार्य जब जो किए जाते हैं, वह ना तो जी इस प्रकार जब अहंकार युक्त होकर पुण्य कार्य किए जाते हैं, वह ना तो इस लोक में कीर्ति दे सकते हैं और ना ही परलोक में किसी प्रकार का फल होता है, कोई सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए वह जो सात्विक यज्ञ होते हैं, इस प्रकार से वह करने से जो है उस मनुष्य का जो है संसार में यश बढ़ता है और परलोक में जो है उसे सुख की प्राप्ति होती है।
इस संसार में उसके कीर्ति उसका यश बढ़ता है और परलोक में जो है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए न्याय पूर्वक कमाए हुए धन जो है उसी के द्वारा जो है पुण्य कार्य जो करना चाहिए। ये राजा को कह रहे हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे जो हैं बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और व्यास जी क्या समझाते हुए कह रहे हैं ये यज्ञ का फल जो कैसा होता है कि राजन जो है द्रव्य की शुद्धि हो, ध्यान न्याय धन जो न्याय पूर्वक होना चाहिए। इस प्रकार यदि वह उसका संयोग करते हैं और इस तरह से आप देवी यज्ञ करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, तो आप पर माँ की कृपा होगी, माँ प्रसन्न होगी। और व्यास जी जो हैं राज जन्मे जी को समझाते कहते हैं कि आप माँ भगवती की आराधना करो, शक्ति की उपासना करो, उसको प्रसन्न कीजिए, यज्ञ कीजिए, मानसिक यज्ञ। संत महात्मा बड़ों में रहते तब करते हैं, मानसिक यज्ञ होते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना किसी से द्वेष है, ना ईर्ष्या है और इसमें ना अहंकार है। किसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर सब पर जो विजय प्राप्त कर करके फिर जो यज्ञ किया जाता है यज्ञ जो है मानसिक यज्ञ है। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए आप मानसिक यज्ञ कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। और कई बार ऐसे सत्कर्म करते हुए विचार आता है मेरा तो इतना खर्च हो गया, तो भी कोई लाभ नहीं, तो भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो है यज्ञ जो पुण्य कर्म जो है जो कैसा करना चाहिए राजन, मैं व्यास जी कह रहे हैं कि पांडव ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। जब इंद्रप्रस्थ की उन्हें प्राप्ति हुई तो राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ में जो है इस प्रकार से बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ जो है। बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर आए, विद्वान आए वहां पर यज्ञ करवाने के लिए। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस यज्ञ में उपस्थित थे, ऐसा वो अद्भुत यज्ञ हुआ। और इतना बड़ा यज्ञ कहते हैं एक महीना, पूरा महीना में राजस्व यज्ञ चलता रहा और फिर यज्ञ की पूर्ण आवती हुई, जिस भगवान कृष्ण विराजमान तो है यज्ञ संपन्न हुआ, परंतु राजन उसका फल क्या हुआ था। जब व्यास जी बतला रहे हैं कि पांडव ने जो राजस्व यज्ञ किया उसका फल क्या हुआ था, पांडवों को वनवास हुआ, जुगे में हार गए। यज्ञ के उपरांत जो है सुख मिलना चाहिए, कार्य सिद्ध होने चाहिए, मनुष्य के जीवन में आत्म शांति होनी चाहिए, परंतु उनके जीवन में क्या होगा, दुख ही दुख, कष्टों की वर्ष होना शुरू होगी। इस प्रकार से अब जो है विद्वान जब जो मनन करते विचार करते हैं ये यज्ञ कैसा था, जो पांडु ने यज्ञ किया राजसूय यज्ञ किया उसका फल ऐसा विपरीत कैसे हुआ, क्या उनको कष्ट मिले, क्या उनको दुख मिले, क्या उनको वन में जाना पड़ा, क्यों भाई जुगे में हार गए। इस प्रकार से उनको जो है राजा विराट के वहां जा करके दासता स्वीकार करनी पड़ी, वहां नौकर बन करके रहना पड़ा, ये राजकुल में उत्पन्न होकर के और इस प्रकार इतना सत्कर्म कर करके जो है जिस यज्ञ में भगवान की उपस्थित थे, कारण क्या था। त्रेता युग में जब पुत्र श्री यज्ञ जो था महाराज दशरथ ने किया था, उनकी कोई संतान नहीं थी, गुरु वशिष्ठ ने उपदेश दिया आप यज्ञ कीजिए, पुत्र श्री यज्ञ कीजिए तो आपके घर में जो है आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो चार पुत्र जो है चार संतान ने उसके घर में हुई, भगवान जो है स्वयं जो उस घर में जो है उन्होंने अवतार लिया है। तो इस प्रकार यज्ञ का फल तो ये हुआ, दुख है जीवन में, तो क्या कारण था उस यज्ञ का। इसी प्रकार से जो है कहते द्रुपद जो थे, द्रुपद ने भी जो है यज्ञ किया, किस लिए यज्ञ किया, अब आपकी कैसी भावना है, आप पूजा किस लिए कर रहे हैं, मंत्र पाठ किस लिए कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक यज्ञ भी करते हैं दूसरों का बुरा करने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए जो है मंत्र जप करते हैं और इस प्रकार से ऐसे यज्ञ करते हैं जिससे दूसरों का विनाश हो। तो द्रुपद ने यज्ञ किया किस लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए, कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो जो है द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके उसको उसको मारे। तो जिससे उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ सफल हुआ, तो दुष्धुम्न जो थे वह पुत्र गृह में उत्पत्ति हुई उनकी अग्नि कुंड से ही, और उसके साथ द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार से दूसरे की बुराई के लिए जैसे किस भाव से यज्ञ कर रहे हैं आप, तो जीव जो जरूरी
और अच्छा फल चाहते हैं, शुभ फल चाहते हैं, अपने इस लोक में परलोक में कल्याण चाहते हैं, आपका वंश ठीक प्रकार से चलता रहे, आपका कुल जो है जब तक सृष्टि जो सूर्य चंद्रमा गतिमान है आपका वंश चलता रहे सृष्टि पर जो है, तो इस प्रकार यदि आप ऐसा चाहते हैं तो भाव की शुद्धि सात्विक यज्ञ कीजिए, सात्विक यज्ञ कीजिए। तो वह कहते हैं पांडु ने यज्ञ किया क्या कारण था, अहंकार, अहंकार था। जिसमें दुर्योधन जो थे वहां पर गए और यज्ञ में सबको बुलाया गया था, तो वहां पर कहते हैं कक्ष थे, देखा बड़े अद्भुत जो है इंद्रप्रस्थ जो है स्वर्ग तुल्य था। अब उसे देख करके जो है अब जो है दुर्योधन के साथ और ही परिवार के उनके लोग थे, भाई बंधु थे, अब चलते हुए देखने लगे कि कक्ष में चलते हुए क्या ऐसा लगा कि इसमें जल ही जल भरा हुआ है, कहीं हम गिर ना जाए, इसमें डूब ना जाए। धीरे धीरे जब उसके अंदर पांव रखा तो वहां कुछ भी नहीं था, देखने लगे कि जल ही जल है, और जब उसमें पांव रखा तो कुछ भी नहीं था। उसके अब दूसरे कक्ष में चलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है। तो जैसे ही उसमें पहुंचते हैं तो उसमें जल था जिसमें वह गिर पड़े, और द्रौपदी उस समय क्या बोलते हैं, हंसते हुए जो है उपहास करते हुए, अंधे का पुत्र अंधा। जीवन में परिवार में क्या होता है, कभी भी कटु वचन जो है कभी नहीं बोलना किसी को भी, आपका भाई है, आपका परिवार, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका पुत्र है, आपकी बेटी है, परिवार में जो भी सदस्य हैं, जो परिवार माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कभी किसी को व्यंग मत मारें, व्यंगात्मक बात मत करें, कटु वचन मत बोलें। कटु वचन बोलने से परिवार टूटता है, परिवार जुड़ता नहीं है। और जहाँ पर मीठी वाणी होती है वहाँ पर जो है सुख होता है, शांति होती है, परिवार में प्रेम होते हैं, परिवार जुड़ता है, और उस परिवार में कभी क्लेश नहीं आते हैं, कभी दुख नहीं आते हैं। इसलिए कभी भूल कर किसी को भी कटु वचन जो है मत बोलें। और जहीं से महाभारत का प्रारंभ हुआ था, पांडु का इतना अहंकार हो गया कि हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, कर्णिकार्त भगवान तो वहां पर विराजमान थे, और अहंकार जैसे हम कोई काम करते हैं, हमारा जब जो देह नहीं है, शरीर नहीं है अपना जो है, और परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, पत्नी है, पुत्र हैं, सब जो हैं खड़े खड़े देखते रहते हैं, परंतु ये जीव चला जाता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए किस चीज का अहंकार जो है, पांडव का अहंकार हुआ, इतना बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ निष्फल हुआ, उसका कोई फल नहीं हुआ, तो जीवन में विपत्ति आ गई, दुख आ गई। जे शिक्षा दी है महर्षि व्यास जी ने, व्यास जी जो हैं वो भगवान के अवतार थे, इस प्रकार उन्होंने उपदेश देते हुए कहा है कि राजन यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो बिल्कुल सात्विक बुद्धि, अहंकार का त्याग कर करके, अभिमान का त्याग कर करके, विशुद्ध मन से जो है माँ भगवती के शरणागत धोकर के माँ की भगवती की आराधना करो, माँ की उपासना करो, देवी यज्ञ करो, माँ को प्रसन्न करो, और सात्विक धन जो है अर्थात न्यायपूर्वक जो है, अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं, न्यायपूर्वक धन जो है, और कभी किसी का मन जो है मत दुखाना, जीवन में निंदा करना, चुगली करना, किसी ईर्ष्या करना, द्वेष करना, शत्रुता करना, इस प्रकार से सबको साथ लेकर के चलना, और भगवती क्योंकि ये सारी सृष्टि उसी की है, उस भगवती की शरण धोकर के आप इस प्रकार जब यज्ञ करोगे माँ की कृपा होगी और संसार में आपकी कीर्ति, आपका यश फैलेगा और परलोक आपका सुखमय हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो व्यास जी के उपदेश से राज जन्म जी ने भगवती को प्रसन्न किया, देवी यज्ञ किए, और इस प्रकार अनेक जो उन्होंने यज्ञ किए हैं और माँ की कृपा उन्हें प्राप्त की, जिससे आज भी राजा जन्म जी की कीर्ति, उनका यश जो है वह अटल है, और उनका परलोक भी कल्याणमय हुआ। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अवधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजतन पूर्वक माँ भगवती के शरणक धो करके माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करनी चाहिए। इसमें कोई धन भी नहीं लगता, धन लगाने की जरूरत भी नहीं है। माँ जो है हृदय श्री सबके हृदय में बैठी हुई है, जो सबके हृदय की जानती है। भाव ग्रह जनार्दना, भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं, आप घर से चले किस भाव से चले हैं,
और रास्ते में जितना रास्ता 14 किलोमीटर अब चलते हुए आए, क्या क्या करते हुए अब चल रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या भाव चल रहे थे, ये सब जानती है। जो इस गुफा के अंदर बैठी, जिसने आपको बुलाया है, ऐसे नहीं बुलाया है, और ये सब देख रही हैं, पूरे रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं। तो आप क्या माँ का स्मरण करते हुए चल रहे हैं, या अपने घर गृहस्थ का स्मरण करते हुए चल रहे हैं, या अपने पड़ोसी का स्मरण करते हुए चल रहे हैं, या किसी शत्रु का स्मरण करते हुए चल रहे हैं? जी भाव को जानते हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है। इसलिए जब भी यात्रा करने के लिए निकले तो संकल्प लें, हमें जो माँ का जो मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते, संकल्प ले लें। इस मंत्र का जब करते हमने चलना है, हमें किसी को लेना देना नहीं, किसी को बात नहीं करनी है, हमें जो है माँ का स्मरण करते हुए, जय भगवती का मंत्र जो है इसका जब करते हुए चलना है, माँ का दर्शन करना है, और माँ का दर्शन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके इस मंत्र का जब करते घर लौटना है, फिर माँ की पूजा अर्थात कन्या पूजन करना, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने कार्य में आप प्रवृत्त होइए। देखिए आपके जीवन में कैसे खुशहाली आती है, कैसे रिद्धि सिद्धि होती है, किसी मंत्र को ले लो। रास्ते में देखते हैं कि लोग जो जय माता दी बोलते हैं, नाम जप है, जय माता दी बोलते हुए चलते हैं। तो इसलिए जब यात्रा यात्रा कहते हैं कि जब नाम जप करते हुए, किसी मंत्र का जप करते हुए आप जब चलते हैं, माँ का जो बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, तो बीज मंत्र का जप करते हुए तो कहते हैं कि जप करते हुए जितने पद जो है साधक चलते हैं उस ओर, उस भगवती की ओर जो है बढ़ता आगे बढ़ते हैं, उतने ही अश्वमेध यज्ञों का फल जो से प्राप्त होते हैं। आप बतलाइए ये 14 किलोमीटर चढ़ाई जब चलते हैं और इस मंत्र जप करते हुए चलेंगे, कितने यज्ञों का फल आपको मिलेगा जीवन में। जी जी नहीं कि आप रोज आपको जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, माँ की कृपा है, उसने बुलाया साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, और इस प्रकार जब जब मौका मिला है, जो समय माँ ने आपको दिया इसका सदुपयोग करने का, तो उसका सदुपयोग कीजिए उस समय का। यदि इधर उधर की बातें करके उसका दुरुपयोग कर देते हैं, समय आपके हाथ से निकल गया, समय आपकी प्रतीक्षा करेगा नहीं, क्योंकि माँ ने मौका तो दिया, सबको देती है जो मौका जो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जहाँ पर जो है रोजगार दिया, जहाँ बिठाए अपने दरबार में कि लो जहाँ सेवा भी करो और भक्त भी करो, परंतु वो बुद्धि में बात आ नहीं सकती, कहीं दर्शन तो कहीं के दिन बीत जाते हैं, कभी दर्शन किए हुए भी। तो इसलिए जो है ये सब उसकी कृपा से संभव होते हैं। गंगा किनारे रहते हुए जीवन बीत गया, परंतु कभी गंगा में स्नान नहीं किया। गंगा किनारे घर है, परंतु वहाँ स्नान किया, दूर से लोग श्रद्धा जुटाते हैं और वहाँ का वहाँ स्नान करते हैं, इतनी श्रद्धा से वहाँ का आचमन करते हैं, वहाँ से गंगा जल घर में ले आते हैं, प्रतिदिन उसका जो है पान करते हैं और आत्मा शुद्धि करते हैं, परंतु जब वहीं पर किनारे में बैठे हुए हैं वहाँ बैठ कर उसका लाभ नहीं ले सकते। कोई ऐसा संत महात्मा, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में तो कहीं ना कहीं उसके कहते हैं कि जीवन में एक बार भगवान किसी न किसी रूप में सबको दर्शन देते हैं, चाहे भिखारी के रूप में होंगे या किसी और रूप में, किसी भी जीव में जो है वह कहीं ना कहीं आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए कहा है तुलसी जा संसार में, तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए दाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कहाँ किस रूप में आकर के आपके सामने, जो भगवती कहाँ आपके सामने खड़ी हो जाए। इसलिए रास्ते में चलते हुए जो कोई मिलता है, कहीं कोई असमर्थ है, चल नहीं पा रहा, उसकी सहायता कर सकते हैं, ये भी माँ के दर्शन है, माँ की सेवा है। लाइन में लगे हुए ऐसा नहीं 10 लोगों को पीछे किया आगे निकल गए, जब थोड़ी सी बात हो गई थोड़ा सा धक्का लग गया तो झगड़ा करना शुरू कर दे, क्रोध में आ गए। क्रोध में आने से भी वह सत्कर्म जो होता है वह भी निष्फल हो जाता है। इसलिए जी ब्यास जी कह रहे हैं कि राजन बिल्कुल शुद्ध मन से जो है शांतचित होकर के आप भगवती की आराधना करें, यज्ञ करें, माँ की आप पर कृपा होगी और आपका जीवन जो है बस सार्थक होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब समय अधिक शुक्र है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ, श्री सूर्य जी से माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना सब मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री सूर्य जी। जयकारा मेरी शेरावाली मैया जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है,
सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रबे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रबे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रबे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रबे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी। ताली सभी हाथ खुल खुल गए। दिल्ली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती और भक्तों की हाजिर स्वीकार करें। आपके झोलिए भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर दे। ताली कख सिगलियां दे ओ तू सगल मन लाया है। असि कख सिगलियां दे तू सगल नल लाया है। असि कख सिगलियां दे ओ तू सगल नल लाया है। असि कख सिगलियां दे तू सगल नल लाया है। ओ जिस नाम तो बिछड़े सी ओ नाम मिलाया है। जिस नाम तो बिछड़े सी ओ नाम मिलाया है। ओ जिस नाम तो बिछड़े सी ओ नाम मिलाया है। जिस नाम तो बिछड़े सी ओ नाम मिलाया है। मेरी माँ दा जो दर मिलया ये पाग निशानी है। मेरी माँ दा जो दर मिलया ये पाग निशानी है। ओ थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। ओ थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। वो थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है। थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है। वो थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती। थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है। थोड़ी मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है। थोड़ी मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है। थोड़ी मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है। थोड़ी मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है। कृपा दे होवे ना ए रस्म पुरानी है। बिन कृपा दे होवे ना ए रस्म पुरानी है। ओ थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है।
सच बोल के सच कहना अस कदी ना डोलांगे, सच बोल के सच कहना अस कदी ना डोलांगे, सच बोल के सच कहना अस कदी ना डोलांगे, सच बोल के सच कहना अस कदी ना डोलांगे, ओ सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे, सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे, ओ सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे, सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे, इस जोत विचो जोत निकले जो जोत नूरानी, इस जोत विचो जोत निकले जो जोत नूरानी, ओ थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाउणी है, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाउणी है, सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाउणी है, सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभाउणी है, ओ थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभाउणी है, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभाउणी है, ओ थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभाउणी है, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभाउणी है, अस तोड़ तोड़ निभाउणी है, अस तोड़ निभाउणी है, जयकारा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय, तभी बजे पर सुख श्री विजय कुमार जी, जयकारा मेरी शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय, हम तेरे ही ईच झुकाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जय जयकार भुलाते हैं, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, तेरी जय जयकार भुलाते जय दुर्गे आद भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की, जय दुर्गे आद भवानी की, जय जय शक्ति महारानी, जय आवेदान बरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की, जय आवेदान बरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी, तुम महादेव की शक्ति शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलशाली, तुम ही हो अद्भुत बलशाली, तोरण चंडी तुम महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली, दासों की हो रखवाली, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तुम दुर्गा आरती हो, दुष्ट संहारती हो, जीवन दुष्ट संहारती हो, काली रन में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी सवारती हो, हम तेरे ही गुण गाते
चरणों में शीश झुकाते हर दिल में नाम तुम्हारा है हर दिल में नाम तुम्हारा है तेरा ही जगत पसारा है तेरा ही जगत पसारा है तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा हम तेरे पा जाते हैं वो प्रभु हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते हर विद्या का है ज्ञान तुझे हर विद्या का है ज्ञान तुझे अपनी शक्ति पर मान तुझे अपनी शक्ति पर मान तुझे हर एक की है पहचान तुझे हर काल में है मां ज्ञान तुझे हम तेरे ही गुण गाते चरणों में शीश झुकाते ब्रह्मा जब दर पर आते हैं बजाते हैं हम तेरे ही गाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं तू मंत्र काली है कहलाई तू मंत्र काली है कहलाई शक्ति है मामाई हम तेरे गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं भूखों को अन्न खिलाए तू भूखों को अन्न खिलाए तू भक्तों के कष्ट मिटाए तू आस बुझाए तू हम तेरे ही गुण गाते चरणों में शीश झुकाते निर्धन के तू मां भंडार भरे निर्धन के तू मां भंडार भरे तू पतितों का मां उधार करे तू पतितों का उधार करे अपनी भक्ति दे करके भव सागर से भी पार करे गुण गाते चरणों में शीश झुकाते है त्रैलोकी में वास तेरा है त्रैलोकी में वास तेरा हर जीव मैया दास तेरा हर जीव मैया दास तेरा गुण गाता यमी आकाश गुण गा
दाता जमिया काश तेरा हमको भी है विश्वास तेरा झुकाते हैं हम तेरे गुण गाते हैं चरणों शीश झुकाते दुनिया के कष्ट मिटा माता दुनिया के कष्ट मिटा माता हर एक की आस पूजा माता बस अपना दास बना माता हम तेरे गुण गाते चरणों में शीश झुकाते तेरी जय जयकार बुलाते जय जयकार बुलाते झुकाते हैं तेरे ही गुण गाते चरणों में शीश झुकाते तेरी जय जयकार बुलाते हैं जय जय अम्बे जय जगदम्बे आद भवानी जय जय शक्ति महारानी की जय दुर्गे आद भवानी की जय जय शक्ति जय अभेदान वरदानी की जय जय अष्टभुजानी की जय अभेदान वरदानी की जय अष्टभुजी कल्याणी हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते झुकाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं जयकारा शेरोवाल जी का सच्चे दरबार की जय तब अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी जयकारा शेरावाली दास बोल सच्चे दरबार की जय दूर से चल के आया दूर से चल के आया तेरे दरबार मां दास खड़ा तेरे दर्शन को दूर से चल कर आया चल कर आया तेरे दरबार माँ तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को मैया पहाड़ों वाली माँ मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे पहाड़ों वाली माँ मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ तेरा दरबार माँ दास कड़ा तेरे दर्शन भगत तेरे द्वारे आते हैं हो दूर दूर से माँ भगत तेरे द्वारे आते हैं दूर दूर से माँ
भक्त तेरे द्वारे आते हैं। हो दूर दूर से माँ भगत तेरे द्वारे आते हैं, तेरे द्वारे आते हैं, प्रेम से दर्शन पाते हैं, तेरे द्वारे आते हैं, प्रेम से दर्शन पाते हैं। ऊंचे पर्वत पे मैया, ऊंचे पर्वत पे मैया, तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। ऊंचे पर्वत पे मैया, ऊंचे पर्वत पे मैया, तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। चल कर आया, दूर से चल कर आया, तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ, दास कड़ा तेरे दर। ध्यानु जैसे माँ भगत तुन लाखों तारे, ध्यानु जैसे माँ भगत तुन लाखों तारे हैं, ध्यानु जैसे माँ भगत तुन लाखों तारे हैं, हो ध्यानु जैसे माँ भगत तुन लाखों तारे हैं। मधु कैटब जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं, मधु कैटब जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं। भगतों के लिए मैया, भगतों के लिए मैया, तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। भक्तों के लिए मैया, भक्तों के लिए मैया, तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। अकबर यह कारी माँ तुझे अजमाने आया था, अकबर यह कारी माँ तुझे अजमाने आया था, अकबर यह कारी माँ तुझे अजमाने आया था, अकबर यह कारी माँ तुझे अजमाने आया था। जाने को लोहे का तवा चढ़ाया था, तबे फाड़ निकली ज्वाला, तबे फाड़ निकली ज्वाला, हुआ जय जयकार माँ, हुआ जय जयकार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। तबे फाड़ निकली ज्वाला, तबे फाड़ निकली ज्वाला, हुआ जय जयकार माँ, हुआ जय जयकार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूर से चल के आया, दूर से चल के आया, तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। चल के आया, दूर से चल कर आया, तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ, दास करा तेरे दर्शन को। मैया पहाड़ों वाली, माँ मेरी शेरों वाली, तेरा दरबार माँ, तूना दरबार माँ, दास करा तेरे दर्शन को। मैया पहाड़ों वाली, माँ मेरी शेरों वाली, तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार।
दरबार मां दास करा तेरे दर्शन को दास खड़ा तेरे दर्शन को मां दास खड़ा तेरे दर्शन को दास खड़ा तेरे दर्शन को मां दास खड़ा तेरे दर्शन को जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय आरोड़ा स्वधंस भ्रमते गगने दक्षिण चक्षुत्र वामे हस्त दिभ्यां भ्रकणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्य शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडंत दिव्य रूप कर कमलधर भारत सुप्रसन्न सच्चे ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2076 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु अषाढ़ मास की आज नौ प्रविष्टि है। कृष्ण पक्ष आज षष्ठी तिथि रविवार तदनुसार 23 जून 2019 के दिन प्रातःकाल आर्थिक समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जशस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूरि भूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे बैरी दर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रु मित्राणामुदयस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय अम्बे गौरी तुम को निषद न धावत मैया जी को निषद न धावत हरि ब्रह्मा शिव चंद्र बदननी।
बाजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठ पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरे नारायण खड़ग कपर धारी मैया खड़ग कपर धारी सम्राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी को निष दिन ध्यावत
अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी, मां भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती मुद्रा करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, ये सम्मल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे। सभी भक्त जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सम्मिल करके बोलना। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्ते, शरणागत दीनार्ते, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छद्धम्, ॐ सङ्गच्छद्धम्, संवदद्धम्, संवदद्धम्, शम्भो मनसि, शम्भो मनसि, जानताम्, जानताम्, देवाभागम्, देवाभागम्, यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, संजानाना, संजानाना, उपासते, उपासते। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
रत्मेंद्र जी को वंदना तुझे आद गणेश शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ कर चौसठ दड़ी जो चरना दा ध्यान जय शांता
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं जोगिविद्यानवंगं वंदे विष्णुमहायानं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णनामकरं शीतलं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं श्रीरामचंद्रमुरारे हरे मुरारे गोविंद गोपाल भगवन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमस्तुते सच्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा पुण्य चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष 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 हर 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 महादेव बोलो बाबा शिलर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय बंदगी सबकी मनोकामना पूरी हो जगरा शरण वाली दाया वो सच्चे दरबार की जय। शक्ति रूपेण संचिता नमस्ते नमस्ते